हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू आवर इम्पोर्टेंट टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई जो हमने चार थर्मोडायनेमिक फंक्शन अब तक पढ़े हैं, चार कौन कौन से? दो तो जो होते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र करने वाले तरीके, W एंड Q, वर्क एंड हीट। एक हो गया खुद की टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, तो Q W डेल्टा E, ये तो थे ही हमारे पास। और एक नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन हमने और बना लिया था, एंथैल्पी। तो फर्स्ट लॉ में बेसिकली ये चार ही फंक्शंस हैं, क्यू डब्ल्यू डेल्टा ई एंड डेल्टा एच। इन चारों की कैलकुलेशन आइडियल गैस के लिए या कोई भी गैस, सॉलिड, लिक्विड, रिएक्शन, कुछ भी, किसी के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे। तो उन सब के लिए कैसे हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, इनको समराइज कर लेते हैं कुछ फॉर्मूलों के थ्रू। तो देखिए भाई, क्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहला तरीका या सबसे बेस्ट फॉर्मूला हमारा क्या था, पहले वो फॉर्मूले ले लेते हैं जो ऑलवेज वैलिड हैं, जिनको हमने ब्रह्मास्त्र बोला था कि वो खाली नहीं जाएंगे। तो पहला हमारा हो गया यहाँ पे डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इस फॉर्मूले को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, ऑलवेज वैलिड है ये। दूसरा ऑलवेज वैलिड फॉर्मूला डेल्टा एच के लिए हमने बनाया था, डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी वी, ये भी ऑलवेज वैलिड है, इसमें भी कहीं कोई टेंशन नहीं है। तीसरा डब्ल्यू के लिए ऑलवेज वैलिड फॉर्मूला माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्सटर्नल डी वी, ये भी ऑलवेज वैलिड था। चौथा क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सी डी टी, ये भी ऑलवेज वैलिड है। तो ये चार फॉर्मूले ऑलवेज वैलिड वाले हैं। ऑलवेज वैलिड फॉर ऑल प्रोसेस। ऑल प्रोसेस ऑन एनी सिस्टम, किसी भी टाइप के सिस्टम में कोई भी प्रोसेस कैसे भी हो, ऑलवेज वैलिड बोल दिया ना हमने, चाहे सॉलिड, लिक्विड, फेज ट्रांजिशन हो, रिएक्शन हो, कुछ भी हो, तो ये ऑलवेज वैलिड रहेंगे, करेक्ट? तो ये चारों परमानेंट हमारे ब्रेन में होने चाहिए। अब कुछ लिमिटेशंस के साथ कुछ फॉर्मूले जनरेट होते हैं, उनको भी अपन ले लेते हैं। डेल्टा ई ओनली क्यू भी हो सकता है, कंडीशन लग गई, वर्क क्या होना चाहिए? जीरो। तो आइसोकोरिक में वर्क क्या होता है? जीरो। तो ये ओनली आइसोकोरिक के लिए हो जाएगा। ओनली आइसोकोरिक के लिए और सॉलिड लिक्विड गैस सब के लिए वैलिड रहना है। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्यू पी हो जाएगा, ओनली फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। इसके बाद दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और जनरेट हो रहे थे, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी और डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एन सी पी डेल्टा टी। इसमें सभी प्रोसेस के लिए वैलिड होंगे एक्सेप्ट फेज ट्रांजिशन, वैलिड फॉर ऑल प्रोसेस एक्सेप्ट फेज ट्रांजिशन एंड रिएक्शन। उसके अलावा अगर कोई बात करते हैं तो अपना आराम से इन फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, इसका मतलब एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक सब के लिए वैलिड होंगे। तो आठ फॉर्मूले हो गए टोटल हमारे ये। इसके बाद दो तीन फॉर्मूले और डिजाइन कर लेते हैं, एक हो गया सी पी सी वी वाला,
सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू एन आर। वन मोल के लिए तो एन की वैल्यू वन हो जाएगी, और गामा के साथ वन प्लस टू बाय एफ सी वी इज इक्वल्स टू एफ बाय टू आर। इस तरह से हमने, और एक और डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी, ये ओनली फॉर आइडियल गैस है। ये भी आइडियल गैस के लिए, ये सारे आइडियल गैस के लिए है, ये सारे के सारे। एब्सोल्यूट वैल्यू ई फाइंड करना था तो एन एफ बाई टू आर टी आ जाएगा। अब मुझे बताओ, फेज ट्रांजिशन में या केमिकल रिएक्शन में डेल्टा ई फाइंड करने हैं तो कौन से फॉर्मूले लगेंगे जो ऑलवेज वैलिड है? ये रहा, क्यू और डब्ल्यू लेके आओ या फिर डेल्टा ई डेल्टा पी वी लेके आओ। इनकी हेल्प से हम कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए, बहुत आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इनसे बाहर नहीं जाने वाला होता है, और फर्स्ट लॉ में यही चार चीज़ें होती है हमेशा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यही पूछेगा, फाइंड क्यू, फाइंड डब्ल्यू, फाइंड डेल्टा एच, फाइंड डेल्टा ई, कभी सॉलिड लिक्विड, कुछ ना कुछ हिंट देगा ज़रूर क्वेश्चन में, तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। 5 जूल हीट इज गिवन टू ए मोनो डाइएटॉमिक आइडियल गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। फाइंड क्यू डब्ल्यू डेल्टा ई एंड डेल्टा एच। ये सिंपल सा सवाल है, चारों चीज़ें फाइंड करनी है इसके लिए वन बाय वन। ये प्रिंटेड मैटर रहा, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए सॉल्व यहीं से होना है। तो 8, 9, 10, 11, 12, तो ऑलमोस्ट 10 to 12 फॉर्मूले फर्स्ट लॉ के अंदर अपन लेते हैं। तो बताइए, सबसे पहले आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो आइसोबैरिक में जो हीट हम देते हैं वही सीधा क्या होता है, डेल्टा एच होता है, आइसोबैरिक के लिए ऑलवेज वैलिड है। तो ये इसका सॉल्यूशन देखिए, क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एच, हीट ही डेल्टा एच है, और वो कितना दे रखा है 5 जूल। दो आंसर आ गए हमारे, ठीक है। अब देखिए, डेल्टा ई लाना है तो डेल्टा ई के कितने फॉर्मूले हमारे पास हैं, दो, एक और एक, ये दो, दोनों वैलिड हैं, ये ऑलवेज वैलिड है और इस केस में ये भी वैलिड है। तो हम चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं एन सी वी डेल्टा टी से, लेकिन ना तो मोल है ना डेल्टा टी है, तो बेस्ट प्रोसेस क्या रहेगा, डेल्टा एच बाय डेल्टा ई करें तो एन सी पी डेल्टा टी अपॉन एन सी वी डेल्टा टी आएगा। सी पी बाय सी वी क्या होता है, गामा। अब हो गया, डेल्टा एच पता है, गामा पता है, क्या नहीं पता, डेल्टा ई, तो डेल्टा ई आ जाएगा आराम से। तो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच बाय गामा, और डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, ये रही 5, गामा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे 1 + 2 बाय एफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक के लिए कितना होगा 5, तो 1 + 2 / 5 कितना होगा 7/5, तो 7/5, 5 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 25/7 जूल जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब डेल्टा ही आ गया, क्यू आ गया, तो अब डब्ल्यू को भी आना पड़ेगा। डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा ई माइनस क्यू। व्हाट इज डेल्टा ई, 25/7 माइनस व्हाट इज क्यू, 5। क्या आंसर निकल के आ जाएगा, 20 - 10/7 जूल, करेक्ट।
तो इस तरह से हम आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो ये चारों चीज़ें निकल के आ जाएगी। इस तरह के दुनिया भर के सवाल होते हैं। तो एक और सवाल अपन यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए, मान लो इस तरह का आ जाए कि 50 ग्राम वाटर है और उस वाटर को हम वेपराइज कर रहे हैं, तो उस केस में क्यू डब्ल्यू डेल्टा ई वगैरह जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या हो गया, फाइंड क्यू डब्ल्यू डेल्टा ई एंड डेल्टा एच फॉर द वेपराइजेशन ऑफ, फाइंड क्यू डब्ल्यू डेल्टा ई एंड डेल्टा एच फॉर वेपराइजेशन ऑफ डब्ल्यू ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 180 एम प्रेशर। मान लो इस तरह का सवाल है। तो अब यहाँ पे हमें कैसे क्या क्या गिवन होगा क्वेश्चन में, यहाँ हीट कैपेसिटी गिवन होगी, हमें गिवन है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी है एक्स जूल पर ग्राम, मोल में भी हो सकता है। तो ये हीट कैपेसिटी गिवन है। बस अब आसानी से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। देखो, डेल्टा ई के लिए एन सी वी डेल्टा टी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो फेज ट्रांजिशन है। तो डेल्टा ई के कितने ऑप्शंस तुम्हारे पास थे? एक था क्यू प्लस डब्ल्यू जो ऑलवेज वैलिड है, एक था एन सी वी डेल्टा टी जो ऑलवेज वैलिड नहीं, इस केस में भी नहीं लगेगा। तो फिर यही ऑप्शन बचा हमारे पास। तो यहाँ से पहले अपन क्यू फाइंड कर लेंगे, फिर डब्ल्यू फाइंड करना पड़ेगा, फिर डेल्टा ई आएगा भाई। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एस डेल्टा टी। एक ग्राम के लिए इतना हीट है, तो डब्ल्यू के लिए कितनी हीट चाहिए होगी, जूल पर ग्राम। हीट ऑफ वेपराइजेशन है ये, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन हमें दे रखा है एक्स। तो बताइए, वन ग्राम के लिए एक्स जूल है, तो डब्ल्यू ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, एक्स इंटू डब्ल्यू जूल। एक आंसर आ गया है ऐसे। डब्ल्यू इज इक्वल टू लाना है तो फिर ऑलवेज वैलिड है, पी एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट है, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्सटर्नल डी वी लगेगा। पी एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट है तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी लगेगा। इस केस में डेल्टा वी क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम, इट मीन्स वेपराइजेशन से पहले वॉल्यूम क्या था और वेपराइजेशन के बाद में वॉल्यूम क्या है, यही तो है हमारे पास। तो मान लो शुरू में हमारे पास ये वाटर है, कितना डब्ल्यू ग्राम, ऑलमोस्ट डब्ल्यू एम एल हो जाएगा ये। इसको वेपराइज किया, वेपराइज किया तो अब ये वेपर में कन्वर्ट हो गया होगा। सपोज ये इतनी वेपर्स बन गई, तो इस वेपर्स में प्रेशर पता है, वॉल्यूम फाइंड करना है, तो ये होगा वी फाइनल, एन आर टी बाय पी लगा सकते हैं अपन यहाँ पे। तो एन पता, आर पता, टी पता, पी एक्सटर्नल पता, तो वी फाइनल आ जाएगा। बट यहाँ से आएगा वी इनिशियल, यहाँ से आएगा वी फाइनल। वी फाइनल तो बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो अपन वी इनिशियल को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से हम इजीली डब्ल्यू फाइंड कर लेंगे। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल वन था ही हमारे पास, वी फाइनल की जगह क्या लिखेंगे, एन आर टी अपॉन वन माइनस वी इनिशियल, और वी इनिशियल नेग्लेक्ट हो गया, कुछ भी नहीं है। एन पता है, आर पता है, टी पता है, यहाँ से डब्ल्यू आ जाएगा, और क्यू और डब्ल्यू आने के बाद उनका सम करेंगे तो डेल्टा ई को आना पड़ेगा। इस तरह से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड बाय।